पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश में 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, ऐसे में आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बुलंदशहर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं। वहीं अफजल और बुलंदशहर जिलाधिकारी ने मिलकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 7 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई और खुद अफजल के साथ जीप में सवार होकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने निकल गए। 7 किलोमीटर लंबी इस मानव श्रृंखला में दर्जनों स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी जगह पे सारी स्कूलों और सब लोगों की तरफ से सारे नागरिकों को का सपोर्ट लेकर पूरी एक मानव श्रृंखला बनाई गई है और उसके अंदर सब सारे के सारे मेन कस्बे से काला आम से लेकर अंसारी रोड से लेकर सब जगह पे हमने पूरा का पूरा कवर किया है। सब लोग जाके लोगों को यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं कि 18 को हम लोग सर्वाधिक मतदान करा सकते। सर, कितनी लंबी ये मानव श्रृंखला बनाई गई और कितने छात्रों ने? 10 किलोमीटर के आसपास ये बनाई गई और करीब 10 से 15 हज़ार लोग इसमें शामिल हुए हैं और बल्कि इसमें और लोगों का सब तरफ से पार्टिसिपेशन रहा है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनता का, यहाँ के सभी स्कूल के बच्चों का जो आज निकले और कई घंटों से यहाँ पर खड़े होकर सबने आज।